अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज प्रोग्राम के आगाज में मैं आपकी तरफ कोई सवाल नहीं रख रही, बल्कि आपने जो सवाल हमारे व्यूअर्स के सामने रखा था उसका रिस्पांस आपको बताना चाहूंगी, जो कि रिमार्केबली आप समझ लें कि एक ऐसा रिस्पांस है जिसको मैनेज करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी तादाद में ईमेल्स आई हैं 20 से ज्यादा ममालिक से, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कुवैत, यूएई, जापान, जर्मनी, मलेशिया। अब आप इसराइल भूल रही हो तुम। बिल्कुल, इसराइल से भी बिल्कुल, इसराइल, स्पेन। आप मुझे बताइए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक का बहुत ही एहसान और करम है कि ये जिंदगी की निशानी है। ये जो सादा सा सवाल था कि 1.5 अरब के करीब मुसलमान, बिल्कुल ठीक है, हर चीज मौजूद है, लेकिन रांदा दरगाह दुनिया में हैसियत कोई नहीं, तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है किसी भी मुसलमान के लिए। और इसका इस टाइप का इतना जबरदस्त रिस्पांस जो है ग्लोबल लेवल पे, ये बात इंडिकेट करता है कि ये बहुत से लोगों को ये सवाल जो है ये परेशान कर रहा है। खूबसूरती ये है कि मुझे मान साहब ने बताया था, वो फोन पे मुझे ब्रीफ करते रहे कि जो लेवल है जवाबों का वो बहुत हौसला अफजा है, वरना ये एक बहुत ही घटिया सी दौले शाह के चूहा टाइप थिंकिंग होती है, एक माइंड सेट कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अगयार और कुफार साजिश कर रहे हैं, बोगस बात है। ठीक, वो आपके फूफी के पुत्र तो नहीं है, मतलब वो आपके हरीफ हैं, बस सगे भाइयों में कंपटीशन होता है। ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम सिर्फ 4 दिन की ईमेल्स पढ़ सके हैं, इतनी ज्यादा ईमेल्स हैं कि हमारी टीम के लिए भी उनको सबको रीड करना, ये बहुत इंकरेजिंग बात है। मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक परसेंटेज जो हमने ड्रॉ की है वो सुनाना चाहूंगी, जो रीजंस लोगों ने दी हैं कि इस्लामी तालीमात से दूरी 42% लोगों का कहना है, यानी मुसलमानों के पीछे रह जाने की, 1.5 अरब तकरीबन होने के बावजूद जी अगर ये रुसवाई और पसपाई इनका मुकद्दर है तो उसकी वजूहात को आपने बिल्कुल ड्रॉ की है, एक परसेंटेज ड्रॉ की है कि 42% का कहना है कि इस्लामी तालीमात से दूरी, 22% का ये मानना है कि जाती मफादात को तरजीह देते हैं मुसलमान हुक्मरान, हाँ जी मुसलमान हुक्मरान, और 15% का कहना है कि लीडरशिप की कमी है, 12% ये मानते हैं कि तालीम और तहकीक में कमी है, जबकि 9% का कहना है कि अदम मसावात की बुनियाद पर भी ऐसा होता है। डिसिप्लिन भी एक रीजन है जिसपे, उसके बाद करप्शन जो है, सत्यानाश हुआ, ये उन मजहबी रहनुमाओं की नाकामी है जो समझाने में बताने में मुसलमानों को कामयाब नहीं रहे, ये भी है मजहबी रहनुमा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास है उसकी एक कॉपी मेरे पास, देखें बात सुने। इसमें मैं अपने तमाम दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनकी खिदमत में मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो 5, 6, 7 किस्म के हैं जवाब के, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, वजह एक ही है, वो है इस्लामी तालीमात से दूरी। मैं इसको डाइसेक्ट करूंगा, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसे। मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन्होंने इबादात को ही इस्लामी तालीमात समझ लिया है। मसलन नमाज के बारे में जो जय्यद उलमा है उनका कहना यह है कि नमाज असल में मस्जिद के बाहर शुरू होती है, मस्जिद के बाहर, हां, जब आप वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, जब उसको अमल में लाते हो, ये बाकी जो काम है ना वो असल इम्तिहान तो जब बाहर आए हो, जब आपस में मिलना है, बंदे का बंदे से, बंदे का हुकूमत से, बंदे का माशरे के साथ, वो जो इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस करता है, वो उसमें तो नामो निशानी कोई नहीं। हमने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन तो मुकम्मल पैकेज है, दीन कामिल कहते हैं इसलिए। अच्छा, अब ये इन्होंने आया कि जी मुसलमान हुक्मरानों में जाती मुफादात की तरजीह का रुझान है, ऐसा ही। अच्छा, जो इस्लामी तालीमात से वाकिफ होगा वो इस तरह के हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा के रख देगा, अगर वोट से वो इसने लाना है तो वो कभी सब स्टैंडर्ड आदमी को नहीं लेके आएगा, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो, सही, ठीक है, अगर वो गासिब हुक्मरान है लोग अपनी गर्दनें कटवा देंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक। आए लीडरशिप की कमी, मेरा थीसिस बिल्कुल उलट है, हमारे पास जिंदा कयादत आका की मौजूद है, मुसलमान को किसी लीडर की जरूरत है ही नहीं, हमारे लिए ये डे टू डे मामला देखने वाले मैनेजर से ज्यादा
میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. وہ ایک رول ماڈل, وہ ایک زندہ شخصیت تھی. بالکل. اچھا لیڈرشپ. اور پھر اگر آپ دنیاوی یہ جو روٹین کی لیڈرشپ ہے وہ بھی انتخاب میں اور آپ کرتے ہیں نا. Exactly. اچھا اگر وہ زبردستی آ کے مسلط ہو گیا تو اس کو برداشت بھی میں اور آپ کر رہے ہیں, تو قصوروار کون ہوا؟ اچھا اب یہ ہے کہ تعلیم اور تحقیق کی کمی مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ, او بھائی یہ اس کی تان بھی وہیں ٹوٹتی ہے اسلامی تعلیمات سے دوری. اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ آیات میں تسخیر کائنات, تحصیل کائنات, تفکر, تدبر, غور, فکر کا ٹھیک ہے ذکر موجود ہے. اور یہ کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے؟ دین اسلام. ٹھیک ہو گیا. اچھا علم تو صرف یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں علوم کو تقسیم کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر علم دین کا علم ہے. اس کی وجہ ہے کہ خالق ایک ہے. بیونڈ یہ جتنی بھی کوئی یونیورس ہے, آپ دنیا کی بات نہ کریں, یہ جتنے بھی یہ سسٹمز ہیں ٹھیک ہے اربوں کے حساب سے, یہ سارے یہ اللہ پاک کی تخلیقات ہیں ساری. سو ان کے بارے میں علم کا حصول تو ود ان, آپ دین بیونڈ تو جا ہی نہیں سکتے نا. اللہ کی اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں, ہاں میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ ایک بار پھر سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جی حسن صاحب کہیے گا. ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں. ہاں پھر یہ آیا ادب مساوات ڈسپلن. او بھائی نماز بڑا زبردست پیکج ہے جن میں ایک چیز ہے کانسنٹریشن. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں